A basal body is a part of bacterial. The answer is flagellum. तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजेलम है बहुत डिस्टिंक्ट है यूकैरियोटिक्स. एक्चुअली तीन तरह के फ्लैजेलम होते हैं, बैक्टीरियल, आर्की बैक्टीरियल और यूकैरियोटिक, और इनमें डिफरेंस है. तो यहाँ पर हम बैक्टीरियल फ्लैजेलम की बात कर रहे हैं. तो इसमें एक आप ये समझिए कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर जिसे आप फिलामेंट कहते हैं, एक प्रोटीन का बना होता है जिसे हम कहते हैं फ्लैजेलिन. और फ्लैजेलिन का जो बेस होता है, जो बेस है फ्लैजेलम का, उसे हुक कहते हैं. और ये फिलामेंट से काफी डिफरेंट होता है, और हुक कनेक्ट करता है फिलामेंट को, जो मोटर पोर्शन है जो सबसे नीचे है फ्लैजेलम में, उसे हम कहते हैं बेसल बॉडी. और बेसल बॉडी जुड़ी भी होती है, एंकर्ड होती है एक तरफ तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में और सेल वॉल में, और उसमें कुछ रिंग्स होती हैं. तो ये स्ट्रक्चर किसका है? बैक्टीरियल फ्लैजेलम का है. तो जब हम बेसल बॉडी की बात करते हैं बैक्टीरिया के सेंस में, तो इट इज एसोसिएटेड विद बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज द फ्लैजेलम. याद रखिए कि जब आप यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, तो जब सेंट्रियोल सीलिया और फ्लैजेला बनाता है तो उसे बेसल बॉडी कहते हैं, बट दैट इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोटिक सेल. यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया व्हाट एग्जैक्टली इज द बेसल बॉडी.